Hello and welcome to Pahuja Law Academy. I am Chakshu Gupta and today we are discussing elections in India. It is said that India is the largest democracy aur is badi si democracy ka sabse bada tyohar hai elections. आज हम जानेंगे एक ब्रीफ हिस्ट्री इलेक्शंस की और कैसे हमारा संविधान और बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा आर्टिकल्स और सेक्शंस ऐसे जो हमें इलेक्शंस के बारे में, इनके कमीशन के बारे में कैसे कंडक्ट होते हैं, इसके बारे में जानने को हमें मिलेगा आज की क्लास में. तो हम शुरू करते हैं 1950 से, जब इंडिया में पहले इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए. उसके बाद हमारे पास 1952 में पहली बार ऐसा हुआ कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मिली, जिसका मतलब होता है कि हर इंसान जो एडल्ट है वो वोट कास्ट कर सकता है. आपको पता होगा कि वोट कास्ट करना यानी कि अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनना डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा और प्रोमिनेंट फीचर है, और ये फीचर हर इंसान को उपलब्ध कराने वाला हमारा देश इंडिया 1952 में था. पर यहां पर उम्र जो डिसाइड हुई थी, दैट वाज 21 इयर्स ऑफ एज. उसके बाद हम आते हैं 1984 में, जब हमारे पास 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये एज 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई, 21 इयर्स से 18 इयर्स तक रिड्यूस कर दी गई. उसके बाद 1985 में एक डेवलपमेंट होता है, जहां पर हमारे पास में एक बॉडी बनती है विच इज इलेक्शन कमीशन की बॉडी. अब इस इलेक्शन कमीशन की बॉडी में क्या क्या होगा, कौन कौन इस कंस्टिट्यूएंट मेंबर्स होंगे, ये सब कुछ हमें जानने को मिलेगा आगे की वीडियो में. हम आ जाते हैं उसके बाद में 1989 में, जहां पर पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इजाद हुआ. हमें ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से पहले का क्या होता था, कैसे इलेक्शंस होते थे, तो एक कलर्ड बॉक्सेस होते थे. उन कलर्ड बॉक्सेस में हर कैंडिडेट के हिसाब से एक कलर अलॉट होता था और उसमें आपको वोट डालना पड़ता था. पर ये बहुत ही टीडियस और लंबा प्रोसेस होता था, जिसकी वजह से उन्होंने एक नया स्टेप लिया, जहां पर एक फिक्स्ड बॉक्स रहता था, हर इंसान अपनी पार्टी के इंसान का नाम का ठप्पा लगाता था, उसके लोगों का, एंड उसको फिर वोटिंग मशीन में डाल देता था. बट फिर से एक बार बहुत ज़्यादा लंबा और हेक्टिक प्रोसेस था. जब ईवीएम आई, विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो उसके बाद वोट की काउंटिंग इजी हो गई और ये माना गया कि शायद प्रोसेस जो है वो थोड़ा फेयर हो जाएगा. इतनी सारी हर्डल्स को पार करने के बाद हम 1989 में एक चीज़ समझते हैं, विच इज़ बूथ कैप्चरिंग. बूथ कैप्चरिंग एक बहुत ही करप्ट प्रैक्टिस थी इलेक्शन के टाइम पर, जो बहुत सारी पार्टीज करती थी. एक गुंडा राज को कम करने के लिए ये बूथ कैप्चरिंग का कंसेप्ट हमारी लेजिस्लेचर ने एक्सप्रेसली डाला. अब क्या था ये बूथ कैप्चरिंग, कि पार्टीज जो थी वो कुछ गूंस, कुछ गुंडों के साथ में अटैच रहती थी, और उनके साथ अटैच रहने की वजह से एक भय का माहौल था. ठीक है, कोई भी इंसान अगर वोट डालने जाता था तो उसको डर लगता था कि अगर मैंने इस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को वोट नहीं डाला, जिसके गुंडे बाहर खड़े हैं, तो वो बूथ कैप्चर कर लेंगे, या फिर हमारे जो वोट्स हैं, जो वोटिंग का अधिकार है, वो स्वतंत्रता नहीं रहेगा. हमारे इलेक्शंस की एक की फीचर होता था फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो अभी भी है, और उस फ्री एंड फेयरनेस इलेक्शन की मेंटेन करने के लिए बूथ कैप्चरिंग को हमने निगेट किया. हमने कहा कि ये गलत है, ये एक गलत कैरेक्टरिस्टिक है जो हमारे इतने बड़े डेमोक्रेसी पे धब्बा बना सकते हैं. आगे बढ़ते हैं टाइमलाइन में 1993 में, और तब हमारे पास में एपिक कार्ड्स आते हैं, जो हर इंसान की आइडेंटिटी को बताने के लिए और इंश्योर करने के लिए एक एपिक कार्ड हर इंसान के लिए बनाया जाता है. उसके बाद हम जब 2013 में आते हैं, तो दो बड़ी अचीवमेंट्स हमारी कंट्री ने करी. पहली अचीवमेंट थी वीवीपैट मशीन, वीवीपीएटी, और दूसरी अचीवमेंट थी हमारे पास में, विच वॉज कि हमने एक नोटा का ऑप्शन दे दिया. These were two significant developments in 2013.
जहां पर एक मशीन जो इलेक्ट्रॉनिकली वोट कास्ट कर सके और एक्सटर्नल फीचर्स बाहर के लोगों का इन्फ्लुएंस वोटिंग पर मिनिमाइज कर पाए, सबसे कम कर पाए, वो वीवीपैट ने काम किया। उसके बाद हमारे पास नोटा का ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल करवाया, जिसका मतलब था कि अगर एक इंसान जितने भी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हैं उनमें से किसी को पसंद नहीं करता बट वोट अपना कास्ट करना चाहता है, तो एक नोटा का ऑप्शन आपको प्रोवाइड करवाया गया, जहां पर ये कहा गया कि अगर मान लीजिए 15 कैंडिडेट्स हैं एक एरिया से बट आप उन 15 में से किसी को भी अपने लिए सूटेबल नहीं मानते, पर वोट कास्ट करने का आपने अधिकार अपना जताना है, तो उसके लिए एक नन ऑफ द अबव का ऑप्शन आपके पास में दिया गया, जहां पर आप नोटा प्रेस करके आपका वोट काउंट करवा सकते हैं, पर किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट या पार्टी को वोट अगर आप देने से बचना चाहते हैं, रिफ्रेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये नोटा का ऑप्शन आपके पास आया। लास्ट में जो अभी बिल्कुल रीसेंट 2023 का हमारे पास में एक केस होता है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन की बॉडी कैसे बनेगी, कौन कौन उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स होंगे और उन मेंबर्स का अपॉइंटमेंट कौन करेगा और कैसे करेगा, ये हमें 2023 की एक लेटेस्ट जजमेंट से पता चलता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कुछ स्टार पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पहला स्टार पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है पर ऐसा है जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता, हाल फिलहाल में हमारे आसपास इलेक्शंस चल रहे हैं, जनरल इलेक्शंस 2024, और यहाँ पर हम जब अपना वोट कास्ट करते हैं तो आपकी लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर पर एक निशान बनाया जाता है। इस निशान को बनाने वाली इंक को इनडेलिबल इंक बोलते हैं, जो कि हटती नहीं है। इस इंक की पहचान इस चीज के लिए की जाती है कि कोई भी इंसान एक से दूसरी बार या इम्पर्सोनेशन किसी और की जगह वोट ना कर पाए। अब ये इनडेलिबल इंक पहले सिर्फ CSIR करके एक इंस्टीट्यूट होता था जो बनाता था, और आज मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड जो मैसूर में है वो इकलौती ऐसी कंपनी है जो कि इनडेलिबल इंक बना सकती है फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर द इलेक्शन प्रोसीजर। दूसरा स्टार पॉइंट, हमारे पास में नेशनल वोटर्स डे है जिसे जनवरी 25th को डिक्लेयर किया गया है, सो दैट हर इंसान को अपने वोटिंग राइट्स, कैंपेन्स और इलेक्शंस के बारे में सब कुछ पता चलता रहे। उसके अलावा एक नया कंसेप्ट विच इज पोस्टल बैलेट, जो ये एक कंसेप्ट था विच वॉज स्टार्ड, क्यों स्टार्ट था या क्यों हमें नीड थी पोस्टल बैलेट्स की, ये समझते हैं। पोस्टल बैलेट का मतलब है कि आपके पास में इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक पेपर जाएगा जहां पर आप अपने पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव या अपने चहीते कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं और उन्हें वोट करके आप बाय पोस्ट अपना वोट भेज सकते हैं। सबसे ज्यादा इसका यूज केस हमें देखने को मिलता है NRI लोगों में। NRI लोग मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियंस, वो लोग जो इंडिया में रहते नहीं हैं पर उन्होंने कहीं बाहर के देश की सिटीजनशिप नहीं ली है, तो उन लोगों को अपना वोट कास्ट करने की और अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने की आज़ादी आज भी उनको देने के लिए पोस्टल बैलेट का कंसेप्ट आपके सामने लाया गया। इस साल के अगर इलेक्शंस की बात करें तो हम कहते हैं कि 700 से भी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज और 30 से भी ज़्यादा नेशनल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं आज के टाइम पर, तो हम एक मल्टी पार्टी सिस्टम है। अब उसके बाद हम एक चीज़ को समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमें क्या दिया हुआ है इलेक्शन से रिलेटेड। तो पार्ट 15 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमें बताता है कि इलेक्शंस और इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड एक इंसान को क्या पता होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कौन इलेक्शन कमिश्नर होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, कौन कितने टाइम तक अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे, ये सब कुछ हमें इस पार्ट 15 में पता चलता है। 324 आर्टिकल से लेके 329 आर्टिकल तक हमें ये जानने को मिलता है कि इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं वो हमें यहाँ मिलते हैं। इसमें एक अनदर स्टार पॉइंट जो हमारे पास में मिलता है हमें, दैट इज आर्टिकल 326,
जो हमें ये कहता है और ये बात इंश्योर कराता है कि 61st अमेंडमेंट में 18 साल की उम्र से ऊपर, 18 साल और उससे उम्र में ऊपर जितने भी लोग हैं उन पे कोई भेदभाव नहीं होगा, ना रेस, ना रिलीजन, ना कास्ट, ना सेक्स, इन तरीके से आपके ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका वोट कास्ट करना, एंड दैट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 326 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच फॉल्स अंडर पार्ट 15। इसके आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हमें दो जगह देखने को मिलता है, एक लोकसभा के इलेक्शंस में और दूसरा हमें देखने को मिलता है जो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए इलेक्शंस होते हैं। इसका मतलब है कि पहला इंसान जो मजॉरिटी को क्रॉस कर जाएगा, मजॉरिटी वोट्स 50% से एक ज्यादा वोट को क्रॉस कर जाएगा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो भी पहुंच जाएगा, ही विल बी डिक्लेयर्ड एज द विनर फॉर दैट पोजिशन। ये कंसेप्ट हम फॉलो करते हैं। अच्छा, अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या आप और मैं, हम इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं? तो इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। ये लेजिस्लेशन अपने आप में ज्यादातर डील करता है इलेक्शन से रिलेटेड हर प्रोविजन को। इस लेजिस्लेशन को पावर मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन से और यहां हमें देखने को मिलता है क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। हमें ये जानने को मिलता है कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं या सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें एक इंसान को आप पॉलिटिकल पार्टी या एज अ इंडिविजुअल कैंडिडेट वो खड़ा हो सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है, और कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर अगर वो एक पोजीशन होल्ड भी करता है वो पोजीशन उससे ले ली जाएगी। तो ये सिचुएशंस और ये बातें हमें पता चलती हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951 में, ठीक है। उसके बाद हमें ये पता चलता है कि आज के टाइम पर एक चीज जो बहुत ही ज्यादा सैडनिंग है, बहुत ही ज्यादा थ्रेटनिंग है टू द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट इज द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। क्या मतलब है कि पॉलिटिक्स और क्राइम का इतना गहरा जोड़ बन चुका है कि उसके लिए क्या स्टेप्स करने चाहिए। तो हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आती हैं। सुप्रीम कोर्ट अपनी गाइडलाइंस में कहता है कि हर इंसान जिसके ऊपर केस चल रहा है या रजिस्टर्ड है या फिर वो कन्विक्ट हो चुका है, एक वोटर का अधिकार है कि वो अपने कैंडिडेट जो उसको रिप्रेजेंट करेगा उस कैंडिडेट के बारे में जाने। इस जानकारी को देते हुए और पॉलिटिक्स में से क्राइम को कम करते हुए हम ये बताते हैं कि जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा इलेक्शन के लिए उसको अपने 6 महीने पुराने तक के सारे प्रेसिडेंट, क्रिमिनल प्रेसिडेंट्स के बारे में बताना पड़ेगा, उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उसके पास कितनी फाइनेंशियल एसेट्स हैं, कितना पैसा उसके पास में है। इसी के साथ साथ हमारे पास में एक और गाइडलाइन आती है जो कहती है कि कितने आप पैसे खर्च कर सकते हैं कैंपेनिंग में और क्या क्या आप दे सकते हैं कैंपेनिंग में, आप क्या चीजें नहीं बंटवा सकते कैंपेनिंग के दौरान, कौन सी चीजें बंटवाने से या प्रोमिसेस करने से वो ब्राइबरी या अनड्यू इन्फ्लुएंस की कैटेगरी में आएगा, ये भी हमें जानने को मिलता है। इसी के साथ हम खत्म करते हैं आज का ये टॉपिक। थैंक यू।